माउंट अबू तो सही से घूम भी नहीं पाऊंगा ऐसा मुझे लग रहा है। इतना ज्यादा पतंग का बहुत ज्यादा क्रेज है इधर। तो ये पापड़ी हम जो खाते हैं वो पापड़ी नहीं भाई, यहाँ की ये बेसन की पापड़ी है। दूसरा ये जो पकौड़ी है इसको गोटा बोलते हैं ना, गोटा। और उसके बाद पेट्रोल का रेट 96-97 से बढ़ के सीधा 109 रुपया के आसपास आ जाएगा। भैया जी इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखो पूरा बहुत बड़ा गौशाला है। ये बालू वाले रास्ते तो आ गए हैं। ओके गुजरात बाय बाय, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। गुड मॉर्निंग, टुडे इट्स 9th डे ऑफ दिस वेस्ट इंडिया राइड। कल सिर्फ 380 किलोमीटर ही मैं कवर कर पाया। कल मेरा प्लान था कि माउंट आबू से पहले जो चढ़ाई से पहले रुक जाओ राजस्थानी इंटर करने से पहले, लेकिन आज 229 किलोमीटर पीछे हूँ माउंट आबू से। तो अभी प्लान में ये है कि यार या तो माउंट आबू कैंसिल करना होगा या तो उदयपुर कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि उदयपुर को साइड हटाते हैं, माउंट आबू से सीधा जोधपुर चलते हैं। अगर माउंट आबू से सीधा जोधपुर चले फिर भी लगभग 500 किलोमीटर हो ही जाएगा, और अगर उदयपुर होते हुए जाए तो 600 के ऊपर हो जाएगा। तो मैं यही करूँगा, अभी उदयपुर को साइड हटाते हैं, माउंट आबू चलते हैं। और देखो मैं सुबह 3 बजे निकलने का सोचा था यहाँ से, क्योंकि बहुत ख़राब नींद थी, बहुत ख़राब। तो सुबह 8 बज के उठते उठते हैं, अभी 9 बज चुके सब कुछ ठीक करते करते। तो अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं, पहला 100 किलोमीटर खींच देना है, इंजन ऑयल उसके बाद चेंज करना है और मीटर वाला भी ठीक कर लेना है, उसके बाद फिर चलना है। चलो जय श्री कृष्ण। तो चलो आज की राइड शुरू किया जाए। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं, 229 किलोमीटर यानी कि लगभग 80-90 किलोमीटर तक खींचने का सोच रहा हूँ। 9 हो गए निकलते निकलते, टाइम दिखा रहा है माउंट आबू पहुँचने का 2 दोपहर के 2। तो यार यानी कि 3-4 बज जाएगा माउंट आबू पहुँचते पहुँचते, क्योंकि माउंट आबू तो सही से घूम भी नहीं पाऊँगा ऐसा मुझे लग रहा है। रास्ता तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी 2-4 चीज़ें हैं जो करना है। सबसे पहला तो मुझे इंजन ऑयल चेंज करना है, तो पहला स्टॉप में मुझे इंजन ऑयल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग किलोमीटर हो जाएगा तब तक। और दूसरा चीज़ है मुझे राजस्थान घुसने से पहले पेट्रोल पूरा फुल करवा लेना है, क्योंकि राजस्थान में पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। और जैसे जैसे हम राजस्थान की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजस्थानी इन्फ्लुएंसी कल्चर थोड़ा सा दिखते जा रहा है। गुजराती कल्चर जो है वो प्लस राजस्थानी कल्चर जो है वो मिक्स कल्चर थोड़ा सा अभी दिखने स्टार्ट हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा किलोमीटर नहीं है हम लोग इंटर कर जाएंगे राजस्थान। कल दिन का टाइम में मैं जैसा फ्री माइंड में पूरा घूम रहा था, वैसा फ्री माइंड में घूमने को घूमना कहते हैं। ऐसे हड़बड़ी हड़बड़ी में क्या ही घूमना यार, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मेन दिक्कत यही है। लगभग 80 किलोमीटर हो चुके हैं, अब मुझे देखते रहना होगा कि इंजन ऑयल कहाँ पे मिल रहा है, जहाँ भी इंजन ऑयल मिल रहा ले लेना है। तभी से देख रहा हूँ इस टाइप पे ऐसे घास से, क्योंकि कुछ लेके जा रहे हैं, बस मक्के के जो ये रहता वो शायद लेके जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जो क्योंकि मक्के तो ऐसे तोड़ के लेके जाएंगे, तो गाय सबको खिलाने के लिए हो सकता है। ये कौन सा पेट्रोल है? इधर वाला नहीं भाई, ये वाला तो भारत पेट्रोलियम है। ये आई आर एम एनर्जी फर्स्ट बार मैं सुन रहा हूँ इसका पेट्रोल, इसका सीएनजी आई आर एम एनर्जी। कर भला नए कल्चर को देख भला। 5 किलोमीटर में 100 किलोमीटर कवर हो जाएगा, तो मिला तो नहीं बल्कि। और एक चीज़ यार, मेरा कोलगेट कल ख़त्म हो गया था, तो मैंने ब्रश भी नहीं किया। मुझे कोलगेट खरीद के मीन्स टूथपेस्ट खरीद के, बहुत लोग बोलेंगे कोलगेट बोल रहा है, तो भैया अपन है ठहरे देसी आदमी, पता है टूथपेस्ट है लेकिन बोलेंगे कोलगेट है। हाईवे छोड़ के मैं सर्विस लेन में आ गया ताकि कोलगेट मिल सके, तो मैं ब्रश कर सकूँ। चलो कोलगेट ले लिया मैंने, अब आगे कहीं रुक के ब्रश करते हैं।
चलो यहाँ से माउंट आबू तो ऐसे 130 किलोमीटर है पूरा पूरी, मगर यहाँ से 87 किलोमीटर में मैं राजस्थान घुस जाऊँगा। बट यहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट लेके ब्रश व्रश किया और थोड़ा सा 5 मिनट रुक लिया और अभी निकलते हैं, आगे खाना खा लेंगे, कहीं पहले नाश्ता कर लेंगे क्योंकि डेली लेट हो जा रहा है और आज भी 11 बज गया। तो देखो यहाँ पे रास्ते किनारे किनारे हल्का फुल्का बालू दिख रहे हैं बीच बीच में, तो पता है क्या फीलिंग आ रहा है, देखो इस साइड इस टाइप का जो बालू दिख रहे हैं और उधर तो मिट्टी, मतलब मिट्टी है, बालू नहीं है मिट्टी है, तो ये वाला फीलिंग आ रहा है। जैसे हमारे उधर क्या होता है कि कोई ट्रक वगैरह जा रहा है बालू लेके, या तो कोई गाड़ी बालू लेके जा रहा है तो बालू गिरा रहता है साइड में लगा रहता है, या तो कोई बालू ऐसा गिराया फिर हटा दिया फिर भी साइड में थोड़ा बालू रह जाता है, वो वाला फील मुझे आ रहा है, सच बता रहा हूँ। हम ये लोकल मार्केट में आ गया, मीन्स नीचे हाईवे छोड़ के नीचे यहीं पे। तो कल मकर संक्रांति है, तो कल नहीं शायद परसों, कल या परसों इस पर 14 या 15 को मुझे ठीक से याद नहीं है, तो इतना ज़्यादा पतंग का बहुत ज़्यादा क्रेज है इधर। और इस साइड में मकर संक्रांति को किस नाम से मनाया जाता है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे उधर मकर संक्रांति बोलते हैं, तो क्योंकि इंडिया में देखो मकर संक्रांति को बहुत से जगह में बहुत अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, जैसे इधर पतंग उड़ाने का कल्चर। और सही है, खाना है तो यार मैं रुक के मैं सोचा पहले खाना खा लेते हैं, तो ये वाला क्या नाम बोले भैया इसको मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये एक्चुअली गाँठा टाइप का ही होता है, थोड़ा मैं सोशी टाइप का होता है, खस्ता जो स्नैक्स आप कह सकते हैं, प्लस जलेबी इसका मिक्स 100 ग्राम मिक्स रहता है, और साथ में मैंने पकौड़ी भी ले लिया, पालक का पकौड़ी है, बढ़िया है खाते हैं। मैं बता ही रहता नाम भूल गया था इसका, भैया ने बताया, क्या बोले भैया इसका, पापड़ी। तो ये पापड़ी हम जो खाते हैं वो पापड़ी नहीं भाई, यहाँ की ये बेसन की पापड़ी है। दूसरा ये जो पकौड़ी है इसको गोटा बोलते हैं ना, गोटा कि पालक है ना, पालक मेथी, मेथी और पालक के पकौड़ी गोटा बोलते हैं, बढ़िया। और कड़ी तो बहुत ज़बरदस्त भाई, कड़ी यहाँ का कड़ी मुझे सबसे बढ़िया लगता है गुजरात का। चलो अब खाना हो गया, और मैंने क्या किया कि अभी माउंट आबू का मैप हटा के मैंने गुजरात राजस्थान बॉर्डर का मैप लगा दिया। क्यों ऐसा किया मैं आपको बताता हूँ। अब देखो सबसे पहले यहाँ से 84 किलोमीटर है गुजरात राजस्थान बॉर्डर, यानी कि 84 किलोमीटर बाद हम राजस्थान इंटर कर जाएंगे गुजरात को छोड़ के, और उसके बाद पेट्रोल का रेट 96-97 से बढ़ के सीधा 109 रुपया के आसपास आ जाएगा, तो इसीलिए राजस्थान इंटर करने से पहले एक बार पेट्रोल फिल करवा लेना है पूरा, और उसी बीच देखते हैं इंजन ऑयल जहाँ भी मिल जाए ले के रख लेंगे। हर पल में बदलता हुआ लैंडस्केप को देखने का ना अलग ही मज़ा है, चाहे वो आप स्काई के कलर देख लो, सन देख लो, पेड़ पौधे देख लो, या तो मिट्टी देख लो, मिट्टी को बालू में बदलते हुए देख लो, पेड़ों को छोटे छोटे कांटेदार पेड़ में बदलते हुए देख लो। ये है बनस रिवर, बनस रिवर पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इस बनस रिवर में, और ये रिवर अरवली रेंज से ही ओरिजिनेट होकर आती है। अरवली रेंज मीन्स वही जो माउंट आबू जिसमें सिचुएटेड है, माउंट आबू भी अरवली रेंज में ही सिचुएटेड है। इधर इधर की ओर लेके जा रहा है, एक मिनट चेक किया जाए तो हाईवे में बहुत ज़्यादा पड़ेगा, अंदर अंदर चलो अंदर अंदर ही चला जाए, क्या दिक्कत है इसमें। भाई साहब ये वाला घर मुझे गजब लग रहा है, चारों तरफ खेती से भरा हुआ, बीच में घर, और इतना सुंदर सा घर, बहुत सही। भैया जी इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये अरे गाड़ी में आगे सरिया है। क्या सरिया है, सरिया सरिया किस लिए, ये दूरी आती है ना पतंग की, हाँ यहाँ पे ना आ जाए इसलिए। अच्छा वैसे आ जाता है, हाँ। ओ ये लगाया है। ओ मकर संक्रांति के कारण समय, अच्छा दूसरा टाइम नहीं लगा रहता है, नहीं लगा।
अच्छा अच्छा ठीक है भैया। तो भाई मकर संक्रांति के कारण ये चीज़ लगाया जाता है। ऐसे मैंने वडोदरा में भी पूछा था एक जन से, वडोदरा या अहमदाबाद में शायद, तो बस वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे जो रस्सी है वो गला तक काट देती है, इतना भयानक माजरा किया रहता है उसका। अरे भाई साहब कितना गाय है, इतना भयानक टाइप का पूरा शायद गौशाला है ये वाला या कुछ, पूरा बड़ा एरिया में गाय फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। देखो पूरा बहुत बड़ा गौशाला है, बहुत बड़ा। क्या नाम है ये गौशाला का? राजपूत दिशा 15 हो। तो चलो ये बालू वाले रास्ते तो आ गए हैं, अब बालू बालू खेल खेलेंगे। गुजरात राजस्थान का ट्रिप है पूरा। गुजरात राजस्थान? हाँ। मतलब कोई मंदिर वगैरह पे जा रहे हो? नहीं, पूरा गुजरात, पूरा राजस्थान, पूरा गुजरात। हाँ ठीक। मतलब पूरा, मतलब मेन जगह जो है। अच्छा लगता है जब कोई ऐसे आके सामने से बात करता है, पूछता है। अरे भाई साहब इधर के भी देखो, गाय के सिंह कितने बड़े बड़े। एक मिनट में फटाक से फोटो खींचता हूँ एक। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, एक चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। देखो खेतों में मिट्टी है, ठीक है, सब्जी उगाए जा रहे, लेकिन इधर रास्ते साइड बालू कहाँ से आया? अभी जो पेड़ सब आपको दिख रही है, सारे पेड़ सेमी ड्राइड एरिया में आते हैं। मीन्स ये पूरा सूखा भी नहीं, पूरा भींगा भी नहीं, सेमी ड्राइड एरिया। और इसके बाद जब पूरा फुल्ली ड्राइड एरिया आ जाएंगे, तब ऐसे पेड़ लाइक कैक्टस वो सब पेड़। चलो फिर से हाईवे पे आ गए, मीन्स ऊपर हाईवे है तो हाईवे पकड़ लेंगे, लेकिन इंजन ऑयल नहीं मिल रहा यार कहीं पे भी। तभी से मैं खोज रहा हूँ, इसीलिए और डिले होते जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये वाला रास्ता पकड़ लिया और 26 किलोमीटर में हम राजस्थान घुस जाएंगे। और उससे पहले पेट्रोल भी हमको फिल करना है, इंजन ऑयल भी चेंज कराना है। अंदर वाला रास्ता में देखो अब पता चल रहा असली पहचान, और ये पूरा मिक्स्ड कल्चर में है। मीन्स राजस्थानी ड्रेस भी दिख रहा है, गुजराती कल्चर भी दिख रहा है। सही से आप एकदम सही सा। अरे भाई साहब यार कौन सा अंदर गूगल लेके आया है यार। देखो दिन का टाइम फिर भी ये सब ठीक है, नए नए चीज़ कल्चर देखने को मिलते हैं, लेकिन रात का टाइम जो होता है ना भाई, रात का टाइम, इसीलिए गूगल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए तू सभी ने। तो फाइनली कनेक्ट कर दिया हाईवे फिर से, और 20 किलोमीटर यार मुझे इंजन ऑयल कब मिलेगा? लेट्स सी, यहाँ देखा जाए। कैस्ट्रोल है भैया? कैस्ट्रोल जी। तो यार देखो मेरा इंजन ऑयल चेंज करना था, उसके बाद मैंने कहा था कल से मीटर मेरा काम नहीं कर रहा, तो मैंने कहा था कि मीटर पिनियन शायद किया है, तो दिखाया भी था। तो देखो चक्का खुल गया, अब मीटर पिनियन चेंज होगा। मीटर पिनियन चेंज करके उसके बाद इंजन ऑयल मिल गया यहाँ पे ओरिजिनल। अब इंजन ऑयल चेंज करवा लेते हैं, थोड़ा सा उसी में रेस्ट ले लेते हैं। हल्का नींद भी आ रहा है क्योंकि पूरा थका हुआ हूँ, तो फिर निकलेंगे। तो चलो निकला जाए। अब यहाँ से 58 किलोमीटर बचा है माउंट आबू। टाइम हो चुका है 2:24 PM। खाना भी नहीं खाया है, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। रात के कुछ आखिरी पल के मज़े ले लो फिर तो आपको राजस्थान ही देखना है, रेगिस्तान ही देखना है।
पूरा ही डाल दीजिए, जैसे राजस्थान में महंगा होना पड़े, पूरा ही डाल दीजिए, लीजिए पूरा फुल करवा लिया। 1110 लगा, 11.5 लीटर। देखो इधर इस साइड से गुजरात का लास्ट विलेज अमीरगढ़ पड़ता है, जो कि यहाँ से लेफ्ट कट जाता है और हम इसे बाईपास करके आगे चल गए। ओके गुजरात, बाय बाय, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा गुजरात में, बट इस बार बाय बाय टाटा, कभी और फिर से आएंगे गुजरात तो फिर से वेलकम करेंगे। गुजरात का कल्चर, गुजरात का ट्रेडिशन, गुजरात के लोग बहुत सही भाई, बहुत सही थे। और गुजरात के लोगों का तो बात ही छोड़ दो, हर जगह बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं राजस्थान में क्या सीन होता है, हम राजस्थान भी इंटर करेंगे। यहाँ पे इस साइड में नहीं खा के कहीं और आगे जाके खाएंगे थोड़ा देर बाद, क्योंकि यहाँ भाई बॉर्डर में बहुत महंगाई मिलती है। तो लेट्स सी, यहाँ पे राजस्थान बॉर्डर में जाम। वेलकम टू राजस्थान, राजस्थान में आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत है। राजस्थान का बोर्ड नहीं मिला, मैं सोच रहा था कि राजस्थान के बारे में रुक के बताऊं, बट यहीं पे चलते चलते आपको राजस्थान के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं। तो देखो राजस्थान इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है, जी हाँ आप ये भी कह सकते हैं, वेलकम टू द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया राजस्थान। फिर यार राजस्थान नहीं, वेलकम टू रेगिस्तान भी कह सकते हैं। तो हम रेगिस्तान में इंटर कर चुके हैं, या आप कह राजस्थान में इंटर कर चुके हैं। ये सारे जितना भी हिल्स देख रहे हैं, ये सारे आपको अरवली रेंज के हिल्स देख रहे हैं। आगे इस साइड से लेके इस साइड तक पूरा जो हिल्स है वो अरवली रेंज के, अरवली रेंज जो वो माउंटेन है, अरवली हिल के रेंज जो वो माउंटेन है, जो बहुत पुराना टाइम से, इसका अलग कहानी है, इसको छोड़ दो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जी हाँ अरवली रेंज के ही, बस इतना समझ लो जो आपने 8, 9 या 7 में पढ़ा होगा, अरवली रेंज का माउंटेन जो इधर आपका इस साइड से लेके इधर पूरा साउथ तक जाता है अरवली रेंज। बाकी ये जो राजस्थान है, यहाँ पे सबसे पहले भील और मीना ट्राइब के लोगों का आके रहना हुआ था, मीन्स सबसे पहले जो जब यहाँ पे घर बसाया या आके रहना स्टार्ट हुआ, भील ट्राइब और मीना ट्राइब के लोगों का द्वारा हुआ था। राजस्थान में आपको ग्रेनाइट्स में बहुत फैक्ट्री मिल जाएगी, यहाँ पे देखिए पूरा ग्रेनाइट्स के ही फैक्ट्री है, ग्रेनाइट्स के मीन्स इधर फैक्ट्री नहीं गोदाम सब है, बट फैक्ट्री दूसरा साइड में। तो चलो लेफ्ट कट लिया जाए माउंट आबू जाने के लिए। चलो फाइनली आबू रोड पकड़ लिया, अब आबू रोड पकड़ के हमें जाना है माउंट आबू की ओर। इसी बीच कुछ खाना खाना पड़ेगा यार, लोग 3:08 हो चुके हैं यार, भूख भी बड़ी ज़ोर का लग रहा है। तो चलो अब हम राजस्थान में इंटर कर चुके हैं वेस्ट इंडिया राइड के, गुजरात तो हो गए, अब राजस्थान, अब कुछ कुछ जगह छोड़ना पड़ रहा है, इतना स्पीड में कर रहा हूँ तो, क्योंकि टाइम की कमी है। अब इस वीडियो को रखते हैं, अगला वीडियो माउंट आबू का प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे यहाँ से माउंट आबू जाने का, और माउंट आबू में जो जो प्लेसेस घूमना है। तो आज के प्लान में जो उदयपुर था, उदयपुर को कैंसिल करते हैं और सीधा जोधपुर निकलेंगे माउंट आबू घुमा के आपको। तो रखते हैं इस वीडियो को, बाकी वेस्ट इंडिया राइड अगर आपको सही लग रही है तो आप शेयर जरूर करना और वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना अभी तक नहीं किया तो। चलो बाय।